कहे मैं कविता रचली, दोस्त कहन फजूल ख्याल। अक्खर अक्खर शब्द शब्द जोड़ काफिया मेले, टोल रिदम ते सकते दा डर, रखने मुश्किल विच सुरताल। पढ़िया होइया सुनिया होइया जां कुछ खुद ते वापरिया, घटनावां दा हुंदा पूर्ण हाल। ये कविता है जिहड़ी इस तरह लिखी जाती है कि कवि नूं जो कुछ हड बीतियां हन ते जो जग बीतियां हन उन्हां नूं ही अपनी कविता दे विषय बनाउंदा है। लवप्रीत दी कविता, पहला मैं इसका नाम सुन के ही हैरान हो गया। अंग्रेजों ने नवी नवी पंजाबी सीखी ते उन्हां दे अर्थ दसण लग गए। एक अपने लेखक होया लाल सिंह कमला अकाली, वो कहिंदे वी कमला भी अकाली हुंदा, अकाली भी कमला हुंदा, इन्हें दो नाम क्यों रख ले। इसे तरह लव भी प्यार है ते प्रीत भी प्यार है। इहदे विच आपां इहदी कविता सुनी है कि इस दी जिहड़ी प्रीत है वो कुदरत दे नाल है। इस दियां कवितावां विचों कुदरत दा अते नारी दी संवेदना दा जिहड़ा झौला है वो पैंदा है। अंग्रेजी दे विच कुदरत दा कवि वर्ड्सवर्थ होया है अते पंजाबी दे विच भाई वीर सिंह जिहड़ा है वो कुदरत दा कवि होया है। कुदरत दे कवि लई ये जरूरी है कि वो अपनियां कवितावां विच कुदरत दा मानवीकरण करे। जिस तरह भाई वीर सिंह ने फुल नूं बोलदिया सिखाया है, डाली नालों तोड़ना सानू असां हट महक दी लाई, लख गाहक जे सुंघे आके खाली एक ना जाई, जे तू एक तोड़ के लै गयो एक जोगा रह जासा, वो भी पलक झलकदा मेला रूप महक उठ जाई। के इसलिए कुदरत दी कविता नूं लिखण लग्या उस दे विच मानवीकरण होना जरूरी है। जेड़े तत् लवप्रीत दी कविता कुदरत दे नाल जदों संवाद रचाउंदी है तां उस विचों ये तत् ने जेड़े उजागर हुंदे ने। दूसरा ये है कि साडी जिहड़ी कविता है इस दी जदों असीं समीक्षा करदे हाँ तां इस दे दो सिद्धांत ने। एक है भारतीय आलोचना प्रणाली, दूजी है पछमी आलोचना प्रणाली। भारतीय आलोचना प्रणाली अते पछमी आलोचना प्रणाली दे विच बहुत अंतर है। साडी जिहड़ी भारतीय आलोचना प्रणाली है उस दा कहिंदे है कि कला है जिहड़ी वो कला लई होनी चाहीदी है। जिहड़ी पछमी आलोचना प्रणाली है वो कहिंदी भी कला दी इन्नी बहुती जरूरत नहीं, थोड़ी रचना दे विच जिहड़ी वस्तु है वो मुलवान होनी चाहीदी है। जे वस्तु मुलवान होवेगी तां ही उस दी जिहड़ी रचना है उस दा मुल पवेगा, तां ही वो लोक चित नूं जिहड़ी है वो प्रवानित होवेगी। जदों असीं भारतीय आलोचना प्रणाली दे उत्ते किसी रचना नूं परखदे हाँ तां सानूं भारतीय आलोचना प्रणाली पछमी आलोचना प्रणाली नालों कितें वधिया लगदी है। वो किस तरह कि उहदे विच सत्यम शिवम ते सुंदरम, सत्या तों भाव है सच होवे। उस दे विच जिहड़ी समाज दे विच वो असीं कहिंदे वी समा जिहड़ा साहित है वो समाज दा दर्पण है, वो असल दे विच समाज दा दर्पण नहीं। समाज दा दर्पण तां जदों पत्रकार खबर लिखदे ने वो हूबहू इत्थों दो बसां मूं सामणे आउंदियां सी, भिड़पियां इन्ने बंदे जख्मी होवे, पर जिहड़ी कविता है कविता जिहड़ी है वो हूबहू बयान नहीं करती।
कविता दे विच कल्पना हुंदी है, कविता दे विच लेखक दी जिंदगी दा अनुभव हुंदा है, कविता दे विच अलंकार हुंदे हन, कविता दे विच नौ रस गिणे गए हन, उन्हां दे विचों कोई ना कोई जिहड़ा रस है वह कविता दे विच होना जरूरी है। इसलिए साडे जिहड़े नवें लेखक ने उन्हां नूं इन्हां गल्लां दा जिहड़ा है वह ध्यान रखना चाहीदा है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा से सच सुनाई सच की बेला, कि ये जिहड़ा समा है ये सच बोलण दा है, सच सुनाउण दा है। इसलिए जे तुहाडी रचना दे विच सच व्यक्त किया जाता है, उहदे विच हकीकत है, उहदे विच यथार्थवाद है, तो वह जिहड़ी रचना है वह सर्व प्रवानत होवेगी। पर तुसीं कहोगे भी कवियां नूं तां कहिंदे ने भी ये तां सच ही नहीं बोलदा, इन्हां दी तां कविता झूठ हुंदी है। पर वह ये नहीं समझते भी ये कविता नहीं झूठ हुंदी, कविता दे पछोकड़ दे विच सच लिखिया हुंदा है। जे तुसीं कहो रवचंद गगनमय थाल रवचंद दीपक बने तारका जनक मंडल मोती, वह कहिंदे जी जिहड़ा आसमान है वह थाल किवें बन सकता है, सूरज चन्न तारे ते सितारे किवें बन सकते हैं। पर नहीं, इन्हां दे पिछे जो भावना है जो सच है वह जिहड़ा व्यक्त हुंदा है। पर कुछ अलंकार ऐसे हुंदे ने जिहड़े अत कथनी भी बयान करते ने, अत कथनी भी कविता का एक अलंकृत भाषा है। जिवें सौ गऊ की झूठ ना बोला बकरी नूं ऊठ जम्मिया, ये अत कथनी है जिहड़ी सानूं सच नहीं लगती। पर बहुत सारिया अत कथनिया भी साढ़े जीवन दे विच्चों, साढ़े जीवन अनुभव दे विच्चों निकलिया हुंदिया हन। इसलिए नवें कविया दे लई ये जरूरी है कि वह पढ़न दे उत्ते ध्यान देन। पर बाबा बलवंत ने लिखा है भी कलिया पढ़न दे नाल कलिया किताबां नाल ही सानूं ज्ञान नहीं आउंदा। वैसे ज्ञान है जिहड़ा सारे ज्ञानां नालों जे उत्तम ज्ञान है तां उह साहित दे विच्चों मिलदा है। पर बाबा बलवंत ने कहा है भई कलिया किताबां पढ़न नाल नहीं, तुसीं जिंदगी दे घोल विच जे शामिल नहीं हुंदे, उहनां दा सानूं अनुभव नहीं, तां जिहड़ी उह कविता है उह वी उन्नी चंगी नहीं लगदी। कि समें दा घोल देवे आदमी नूं जिंदगी ऐसी, समय दा घोल देवे आदमी नूं जिंदगी ऐसी, नहीं ये चेतना मिलती किताबां दे सहारे ते। सारा कुछ गल्लां किताबां नहीं, सानूं जिहड़े सियासी घोल ने समाजिक घोल ने जदोजहद लोग करदे ने उहनां दा जिहड़ा है ख्याल उह वी रखणा चाहीदा है। कविता बारे ये भी सी कि कविता है जिहड़ी ये प्यार च मोए बंदियां दी हुक हुंदी है। पर अज जिहड़ी कविता है प्यार च मोए बंदियां दी हुक नहीं, ये जिहड़े लोग संघर्ष करते ने, जिहड़े जुल्म सहंदे ने, जिन्हां दे उत्ते तशद्दुद हुंदा है, जिन्हां दे उत्ते पुलिस दीआं डांगां वरदीआं ने, उहनां दी जिहड़ी हुक है वह जदों कविता दे विच शामिल हो जाए, थोड़ी कविता का विशा बन जाए, थोड़ी कविता की वस्तु बन जाए, तो वह कविता है जिहड़ी थोड़े जिहड़े है मन दे उत्ते छाई रहिंदी है। जिस तरह उदासी दीआं जिहड़ियां कवितावां ने वह लोग संघर्षां दा जिहड़ा है वह उत्थे पढ़ियां जांदियां ने, वह लोकां दे जिहड़े जुबान दे उत्ते चढ़ियां ने कि लोको बाज आ जाओ झूठे लीडरां तों, इन्हां देश नूं बिले लगा छड़ना, इन्हां देश दा कुछ भी छड़िया नहीं, इन्हां सोनू भी बेच के खा छड़ना। इस तरह दियां जिहड़ियां कवितावां ने वह हमेशा जिउंदियां रहिंदियां ने। इसलिए जिहड़ा ठीक है प्यार मुहब्बत ये साड़ी साड़े ये भी साड़े जीवन का एक अंग है, इस तो जिहड़ा बिना है वह भी सरदा नहीं। पर जिंदगी सिर्फ मुहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फें रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, इस भूख और प्यास की मारी हुई दुनिया में इश्क सिर्फ एक हकीकत नहीं कुछ और भी है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀ ਹੈਂਜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਥਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਣੋ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।